hear me properly? Okay, children. So you all can see and listen me proper, right? So let's start. So we have already completed our 9th chapter in previous class, right? And hope you all have completed the textual exercise as well as the material exercise. Okay, the solution was already sent to you. Today we are going to start the last chapter of essay 1 exam. That is lesson number 10, Animal World. ये वाला चैप्टर लास्ट है, ओके? तो इसके बाद हम रिवीजन करेंगे, ठीक है? तो एनिमल वर्ल्ड, द वर्ल्ड इटसेल्फ सेइंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एनिमल्स इन दिस लेसन, है ना? वेरी हैप्पी, ऑल यू आर लविंग एनिमल्स वेरी मच, है ना? सो लेट्स स्टार्ट. तो सेंस ऑफ ऑर्गन्स इन एनिमल्स, तो वी ऑल हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स, है ना? हमारे पास फाइव सेंस ऑर्गन्स है, दैट इज आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, राइट? दीज आर द फाइव सेंस ऑर्गन्स वी हैव. तो लाइक वाइज एनिमल्स ऑल्सो हैव सेंस ऑर्गन्स, ओके? नाउ डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैविंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स. तो लेट्स लर्न अबाउट सेंस ऑर्गन्स इन एनिमल्स, ओके? तो द सेंस ऑर्गन्स आर अवर विंडोज टू द वर्ल्ड, है ना? विंडोज टू द वर्ल्ड मतलब व्हाट? कि वी आर गेटिंग कनेक्टेड विद द वर्ल्ड. आई से हम देखते हैं, ईयर्स से वी आर लिसनिंग विद इट, हां, नोज से वी आर स्मेलिंग थ्रू अवर नोज, वी आर टेस्टिंग थ्रू अवर टंग, एंड वी आर फीलिंग थ्रू अवर स्किन, राइट? सो दिस इज अवर विंडोज टू द वर्ल्ड. They receive information from our surroundings and send it to our brain. कौन? They मतलब कौन? तो sense organs receive information. तो sense organs हैं, वो information receive करते हैं and then they are sending to their brain. Okay? For example, if you touch by mistake a hot cup of bonvita, है ना? आपको पता नहीं है कि ये hot है कि cold है. By mistake touch the cup and immediately leave the cup, so that information is sent by the skin, okay, skin to the brain that this cup is hot, leave it immediately, and then, so this is called the function of the sense organs. So they receive information from our surroundings and send it to our brain. Our brain processes it, हमारा जो brain है, it processes, उसे फाइंड आउट करता है एंड देन रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन इन सुटेबल वे, ओके? तो हम उस हिसाब से वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी स्मेल अ रोज, ओके? जब आप रोज को स्मेल करते हैं तो वेरी गुड स्वीट स्मेल कम है, एंड वी एंजॉय इट्स फ्रेग्रेंस, FRAGRANCE, फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू. ऑन द अदर हैंड, इफ वी पास बाय अ गार्बेज बिन, ओके? इफ यू पास बाय गार्बेज बिन, कुछ कचरे के ढेर के पास से आप पास हो रहे हो, वी कैन स्मेल द बैड, है ना? तो कचरे के डब्बे में से कैसी स्मेल आएगी? बैड स्मेल विल कम एंड बैड ऑर्डर. स्मेल को द सिनोनिम्स ऑफ द स्मेल इज ऑर्डर, ओ डी ओ यू आर, ऑर्डर स्मेल, राइट? ऑर्डर ऑफ द गार्बेज, है ना? तो एक आपने रोज स्मेल किया तो द मोस्ट सेंस ऑर्गन इज अवर नोज, इट पासेस द मैसेज दैट दिस स्मेल इज वेरी गुड टू द ब्रेन एंड ब्रेन रिस्पॉन्ड. लाइकवाइज सिमिलरली, व्हेन यू पासिंग बाय द गार्बेज बिन, तो द बैड ऑर्डर कमिंग आउट व्हिच इज सेंट बाय टू अवर सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन, एंड ब्रेन इज सेइंग क्लोज योर नोज, है ना? तो इमीडिएटली आप फिर नोज बंद कर देते हो, राइट? तो दिस इज द फंक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन्स to sending messages to the brain.
आर रिस्पॉन्डिंग टू इट लाइक अस, तो ये हमारा काम है राइट। लाइक वाइज एनिमल्स ऑल्सो हैव सेंस ऑर्गन्स, उनके पास भी सेंस ऑर्गन्स है, दे टू कैन सी, वो भी देख सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं एंड फील कर सकते हैं। ओके तो सब ऑर्गन्स हेल्प देम टू कम्युनिकेट, है ना, सी ओ डबल एन यू एन आई सी ए टी, कम्युनिकेट मतलब बातचीत। वो लोग हमारे जैसे गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, सिंधी इसमें बात नहीं करते, दे डू हैव देयर ओन लैंग्वेज दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, बट दे कम्युनिकेट, वो लोग बातचीत तो करते हैं, है ना, कुछ आवाज निकालते हैं लाइक, तो दे कम्युनिकेट विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ बात करते, फॉर एग्जाम्पल टू काउस, टू बफेलोस, है ना, तो टू हॉर्सेस, टू कैमल, तो लोग अपने साउंड थ्रू बात करते हैं, दे मूव, वो चलते भी है, सर्च फूड, ओके, क्यों चलते हैं, व्हाई दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फॉर सर्चिंग ऑफ फूड, खाना ढूंढने के लिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, एस्केप डेंजर, इफ दे फील दैट दिस प्लेस हैविंग सम डेंजर, दे इमीडिएटली मूव फ्रॉम दैट प्लेस, ई एस सी ए पी, एस्केप मतलब वहां से चले जाते, एंड फाइंड देयर मेट्स, एल ए पी मेट्स मतलब फ्रेंड्स, ओके, उनको भी फ्रेंड्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको फ्रेंड्स चाहिए ना, हाँ, बातचीत करने के लिए, मस्ती करने के लिए, घूमने जाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो लाइक वाइज दे ऑल्सो नीड मेट्स मतलब फ्रेंड्स। लेट अस लर्न अबाउट द सेंस ऑर्गन्स, तो हम उनके सेंस ऑर्गन्स के, किसके, एनिमल सेंस ऑर्गन्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट, विच आर हाईली डेवलप्ड इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में बहुत हाईली डेवलप्ड होते हैं, एंड हाउ दे यूज देम दैट एनिमल, हाउ टू यूज दैट सेंस ऑर्गन्स, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। चलो सेंस ऑफ साइट, एस ई एम एस ई सेंस ऑफ एस आई जी एच टी, साइट मतलब देखना, है ना, तो ऑल एनिमल्स हैविंग आईज, सबको आईज होती है ना, हाँ, काउ को बफेलो देखो, हॉर्स देखो, एलिफेंट देखो, जिराफ देखो, कोई भी एनिमल देखो, दे डू हैव आईज, है ना, सो दे आर सीइंग द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ देयर आईज, तो सेंस ऑफ साइट। तो नाउ लेट्स लर्न अबाउट इट, तो कार्निवोरस बर्ड्स, नाउ वी लर्न अबाउट कार्निवोरस एनिमल्स, तो ये तो कार्निवोरस बर्ड्स लिखा है, दैट मीन्स व्हाट इज कार्निवोरस एनिमल, तो एनिमल्स विच ईट अदर्स फॉर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल, तो ये क्या है कार्निवोरस बर्ड्स, तो कार्निवोरस बर्ड्स मतलब ईगल्स एंड हॉक्स हैव अ वेरी शार्प आईसाइट, दैट मीन्स दीज बर्ड्स आर कार्निवोरस, दे विल ईट अदर स्मॉल एनिमल्स, ओके, तो कौन है कार्निवोरस बर्ड्स, तो ईगल्स, आपने देखा होगा ईगल्स एंड हॉक्स हैव अ वेरी शार्प आईसाइट, वो इतना हाई फ्लाई करते हैं, दे आर फ्लाइंग वेरी अप इन द स्काई, देन ओनली दे हैव वेरी शार्प आईसाइट, बहुत शार्प आईसाइट होती है, इतनी हाइट पे भी नीचे ग्राउंड पे दे कैन फाइंड देयर फूड, ओके, एंड ईगल कैन स्पॉट अ स्नेक ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, ओके, ईगल क्या खाती है, स्नेक को खाती है ना, तो इतनी ऊपर फ्लाई करने के बाद भी इट कैन सी द स्नेक एट द ग्राउंड, है ना, वेरी शार्प आई साइड दे हैव, सम एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड कैट्स कैन सी इवन इन द डार्क, जो टाइगर्स होते हैं, कैट्स होती है, दे हैव वेरी आई शार्प आई साइड, दे कैन सी इवन इन द नाइट, अंधेरे में भी वो क्लियरली देख सकते हैं। The animals that are active at night can see things only in black and white color. Okay, so जो भी animals रात में active होते हैं, they are called nocturnal animals. We learned last year. है ना, nocturnal animals, the animals that are active at night, वो है bat है, then this wild animals are there. So they are active at night can see things only in two colors. उनको खाली दो color में ही चीजें दिखती हैं. One is black and white. Okay. Even during the day, जब दिन होता है, that time also these animals are not good at
डिस्ट्रीब्यूशन कलर्स। तो ये जो एनिमल्स है तो उनको दिन में और रात में, रात में दे आर हैविंग टू कलर्स, दे कैन रिकॉग्नाइज व्हाइट एंड ब्लैक, एंड इन द डे टाइम ऑल्सो दे आर नॉट गुड दैट मच टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। है हम जैसे रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट सारे कलर्स रिकॉग्नाइज करते हैं, दिस एनिमल्स कैन नॉट डू लाइक अ कैमेलियन। नाउ दिस स्पेलिंग डोंट रीड कैमेलियन, सी एच मतलब च नहीं, सी एच ए एम ई एल ई ओ एन, कैमेलियन क प्रोनाउंस करना है, कमल का क। कैमेलियंस आईज कैन मूव इंडिपेंडेंटली एंड कैन सी इन टू डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम टाइम। जो कैमेलियन है ना, आपने देखा है कैमेलियन है ना, जो रंग बदलता है ना, सो कैमेलियन की आईज इट कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। हमारी आईज है ना टू आईज भी है, बट आपको लेफ्ट साइड देखना है, बोथ आईज आर लुकिंग एट लेफ्ट साइड। इफ यू वांट टू सी राइट साइड, बोथ आर सीइंग इन द राइट साइड। बट दिस इज स्पेशल थिंग, कैमेलियंस कैन सी इन टू डिफरेंट डायरेक्शन। उनकी लेफ्ट आई लेफ्ट साइड देख सकती है, राइट साइड राइट वाली आईज राइट साइड देख सकती है, इंडिपेंडेंट है ना। तो कैमेलियंस आई कैन मूव इंडिपेंडेंटली एंड कैन सी इन टू डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम टाइम, दोनों डायरेक्शन में सेम टाइम अलग अलग देख सकती है। चलो नेक्स्ट, अ फाल्कन कैन सी एन ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। ओके, ग्राउंड लेवल से 1.5 किलोमीटर इतना ऊपर उड़ता है, देन ओनली 10 सेंटीमीटर मतलब इतनी छोटी चीज भी वो देख पाता है इतनी हाइट से, दैट मच शार्प आई साइट इट है। फाल्कन इज द नेम ऑफ द बर्ड। ओके, अ हॉक कैन सी फ्रॉम, सॉरी फाल्कन इज अ बर्ड, यस, अ हॉक कैन सी फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 फीट। जो हॉक है, जो हमने यहां पे लिख दिया ना, हॉक कैन सी फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 फीट, 20 फीट ऊपर से भी व्हाट अ ह्यूमन कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 5 फीट। हम 5 फीट, टीचर की हाइट 5 फीट 3 इंच है, तो टीचर जो देख सकते हैं वो 20 फीट की हाइट से देख सकते हैं, राइट। तो दे दिस एनिमल सिंबल्स हैव ए वेरी गुड सेंस ऑफ साइट। यू कैन सी दिस इज कैमेलियन, कलर चेंज करता है ना। गुजराती में हम इसे क्या कहते हैं कैमेलियन को, कोई बताएगा व्हाट इज द नेम, गुजराती नेम फॉर कैमेलियन, टाइप इट्स नेम। Cats, dogs, and owls
too have a powerful sense of hearing. Cats होती है, dogs होते हैं, owls के, तो इनके पास भी hearing की बहुत sharp sense होती है. They can listen to distant sound. बहुत दूर अगर कुछ हलचल होगी then only they can feel it easily. A snake has an ear for its head. तो आपने देखा होगा स्नेक को, स्नेक का फोटो देखा होगा या कुछ विलेजेस में रहते हैं उन्होंने देखा भी होगा सच में. तो उसको कभी ईयर्स नहीं होते, एक्सटर्नल हमारे जैसे ईयर होते हैं स्नेक को, नो. स्नेक हैज एन ईयर बोन, ईयर बोन होता है यहाँ पे हेड के ऊपर, इट्स हेड थ्रू विच इट कैन फील द साउंड. वेरी न्यू थिंग वी आर लर्निंग. स्नेक डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर बट इट हैज एन ईयर बोन, यहाँ पे एक ईयर बोन होता है एंड इट्स इट इज सिचुएटेड एट इट्स हेड थ्रू विच इट कैन फील द साउंड. साउंड फील करता है एंड साउंड वाइब्रेशंस, ओके, वाइब्रेशन फील करता है ऑन द ग्राउंड. दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स. एक्सटर्नल मतलब जो दिखते हैं हमें बाहर से, हमारे दिखते हैं, आपके दिखते हैं, यस. तो दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स एंड देयरफॉर दे कैन नॉट हियर, ओके. तो दैट वो लोग सुन नहीं सकते हैं, दे कैन फील द वाइब्रेशन साउंड, ओके. कुछ हलचल हो रही है वो फील कर सकते हैं, आवाज नहीं सुन सकते, राइट. बैट्स मतलब क्रिकेट बैट, नो. बैट्स मतलब चमकादार, गुजराती में चमाचूर, राइट. तो बैट्स लिसन टू द इकोस, ECHOES. इकोस मतलब जो हमारा साउंड स्ट्राइक करके वापस हमें सुनाई देता है, दैट्स कॉल्ड इकोस, है ना. इफ यू विजिट एनी हिल स्टेशन, तो अगर आप ओपन प्लेस है बहुत बड़ी, तो इफ यू स्पीक योर नेम तो योर नेम कम्स ट्वाइस, है ना, दैट कॉल्ड इकोस. तो बैट्स लिसन टू द इकोस प्रोड्यूस्ड बाय देयर लाउड साउंड, ओके. उनका जो इतना शार्प साउंड होता है उसका इको वो सुन सकते हैं. दिस इको हेल्प्स देम टू लोकेट फूड, और इस इको की मदद से वो अपना खाना ढूंढते हैं. एंड ऑब्स्टेकल्स दैट कम इन देयर वे, ऑब्स्टेकल्स OBSTACLES, ऑब्स्टेकल्स मतलब जो भी उसके रास्ते में विघ्न आए, जो भी अड़चन आए, है ना, तो वो भी वो जो भी उसके रास्ते में तकलीफ होगी, कोई भी एनिमल्स कुछ भी डिस्ट्रैक्ट करेगा वो लोग जान सकते हैं. डॉल्फिन्स सबने देखी होगी, डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स प्रोड्यूस लाउड साउंड्स एंड गिव मैसेजेस टू ईच अदर, जोर जोर से साउंड प्रोड्यूस करते हैं और एक दूसरे को मैसेजेस पास करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ साउंड, राइट. See, these are the camellia, sorry, these are the bats, and then, ye hai eagle, this is crab, and this is grasshopper, okay, let's move about it. Sense of smell, ab humne eyes dekh liya, humne ears dekh liya, now we are moving to our smell, animal's smell. Sense of smell, the sense of smell is highly developed in animals. उनको highly developed होती है. This helps them to find their food. इसकी मदद से वो अपना खाना ढूंढते हैं. Detect the presence of an enemy. Enemy मतलब कोई उनको नुकसान ना पहुंचाए, कोई दुश्मन है. अगर कोई उनको feel करेगी कि ये मुझे मार डालेगा, that is considered as enemy of it. Okay, around that. तो वो खाना ढूंढते हैं, enemy को detect करते हैं. फाइंड डायरेक्शन, अलग अलग जगह से जाने के लिए डायरेक्शन भी फाइंड आउट करते हैं. एंड गैदर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स, ओके. सब एनिमल्स में एक जैसे, सबको नाक नहीं होती हमारे जैसे. डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग दिस फंक्शन, विच फंक्शन, सेंस ऑफ स्मेल, ओके. फॉर एग्जाम्पल, एंट्स, चींटियां, मॉस्किटोज, मच्छर, फ्लाइज, मक्खियां एंड बटरफ्लाइज, मैंने पतंगिया यूज दैट एंटेना टू स्मेल. एंटेना एक होती है ऐसे, है ना, देखा होगा आपने, राइट, बटरफ्लाई को देखा होगा. एंड्स, मॉस्किटो, फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज यूज दैट एंटेना, ANTENNAE, एंटेना टू स्मेल.
एकदम न्यू थिंग. ओके लेट्स मूव अहेड. स्नेक्स एंड लिजार्ड्स फ्लिक देयर टंग्स कॉन्स्टेंटली एंड सेंड सेंट पार्टिकल्स टू द सेंस ऑर्गन्स टू लोकेट द रूफ ऑफ देयर माउथ. ओके तो जो स्नेक्स होते हैं एंड लिजार्ड्स दे हैव अ वेरी लॉन्ग टंग, है ना, लंबी टंग होती है, तो वो क्या करते हैं फ्लिक करते हैं, बाहर निकालते हैं अंदर करते हैं, बाहर निकालते हैं अंदर करते हैं, राइट. फ्लिक देयर टंग कॉन्स्टेंटली अंदर बाहर करते रहते हैं एंड सेंड सेंड करते हैं. क्या सेंड करते हैं? तो सेंट पार्टिकल्स, जो भी चीज होती है उसमें से खुशबू या बदबू आती है, राइट. तो दैट सेंट पार्टिकल्स द सेंस ऑर्गन, उनके सेंस ऑर्गन को पास करते हैं लोकेटेड एट द रूफ ऑफ देयर माउथ, उनके माउथ के ऊपर वाले भाग. आपका मुंह खुलेगा हाँ, तो ऊपर वाला पोर्शन है ना, हाँ, दैट इज योर रूफ ऑफ द माउथ. तो वैसे वो भी स्नेक अगर अपना मुंह ऐसे खुलेगा तो अपर पार्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड अपर माउथ. ओके वहां पे रूफ ऑफ द माउथ में सेंस ऑर्गन होता है, वहां पे वो लोग मैसेज सेंड करते हैं कि नियर बाय विच टाइप ऑफ स्मेल इज देयर. डॉग्स टू हैव वेरी पावरफुल सेंस ऑफ स्मेल, ये तो हम सबको पता है. डॉग्स कैन स्मेल वेरी शार्पली, है ना, दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग टू डिटेक्ट द क्रिमिनल्स इन, है ना, तो पुलिस जो यूज करती है स्नीफर डॉग्स, राइट. चलो मूविंग अहेड. यस सी दिस इज बटरफ्लाइज, है ना, मॉस्किटोज, फ्लाइज, और कौन है ये, एंट्स, है ना. तो इसके ऊपर आप देख सकते हो एंटेना है, दिस इज एंटेना, यहाँ पे भी आपको एंटेना दिखेगा, है ना. सो दिस हेल्प देम टू फाइंड आवर सेंस ऑफ स्मेल, यहाँ से वो लोग करते हैं, है ना. यहाँ पे भी ये चुटिया है, इसमें आप इजिली देख सकते हो, ठीक है. चलो मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज सेंस ऑफ टेस्ट. अब वो लोग टेस्ट कैसे करते हैं खाना, है ना. तो सम एनिमल्स हैव अ गुड सेंस ऑफ टेस्ट, वो बहुत अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं. डॉल्फिन कैन टेस्ट देयर फूड, डॉल्फिन जो अपना टेस्ट फूड जो फूड है वो टेस्ट करती है, दैट मींस वो रिकॉग्नाइज कर सकती है डिफरेंट डिफरेंट फूड्स को. बटरफ्लाइज यूज द टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन देयर फीट, बटरफ्लाई के टेस्ट रिसेप्टर, टेस्ट कैसा है बटरफ्लाईज कहाँ घूमते हैं, तो फ्लावर्स के ऊपर, एंड दे कैन टेस्ट द जूसेस विद द हेल्प ऑफ देयर फीट, है ना. टेस्ट रिसेप्टर जो टेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, टेस्ट रिसेप्टर दे आर प्रेजेंट इन देयर फीट, उनके पैर में लगे होते हैं टू जज वेदर द लीव्स आर एडिबल फॉर देयर यंग वंस और नॉट. ओके तो लीव्स को टेस्ट करते हैं वो, एंड लेग की मदद से टू जज वेदर द लीव्स, लीव्स जो है वो उनके यंग वंस, उनके बेबीज के लिए ये लीव्स अच्छे हैं, एडिबल मतलब खा सकते हैं या नहीं खा सकते, राइट. बीज टेस्ट नेक्टर, बीज हनीबीज, हनीबीज क्या करते हैं टेस्ट नेक्टर, नेक्टर मतलब स्वीट जूस प्रेजेंट इन द फ्लावर बिफोर कलेक्टिंग इट, कलेक्ट करने के पहले वो टेस्ट करती है ना. रैबिट्स टंग हैज 17,000 टेस्ट वर्ड, रैबिट आप सबने देखा होगा, है ना. तो उसकी जो टंग होती है उसके टंग के ऊपर टेस्ट वर्ड्स होते हैं ना, वी ऑल्सो हैव टेस्ट वर्ड्स, हमारे टंग के ऊपर भी स्मॉल स्मॉल पॉड्स होते हैं और दे आर कॉल्ड टेस्ट वर्ड्स. तो यहाँ पे रैबिट ऑल्सो हैविंग टेस्ट बर्ड्स ऑन इट्स टंग, और कितने होते हैं 70,000 टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. ओके चिल्ड्रन सी द डॉल्फिन्स आर हियर, दीज आर द बीज, है ना, ये है रैबिट, रैबिट की टंग के अंदर 17,000 टेस्ट बर्ड होते हैं. बटरफ्लाइज दे आर हैविंग टेस्ट रिसेप्टर्स in that feet, right. This is the exact picture of feet. चलो now sense of touch, लोग touch कैसे करते हैं, कैसे feel करते हैं. तो animals like cat, mouse, lion, wolf etc. have whiskers. Okay, W-H-I-S-K-E-R-S,
This sensitive whiskers help them to find their way even in the dark. Okay, जो whiskers मतलब उनके मुंह के पास बाल जैसा होता है, that is whiskers. Okay, तो these sensitive whiskers बहुत sensitive होते हैं, help them to find their way, उनका रास्ता ढूंढने में भी help करते हैं, even in the dark अंधेरे में, right? Hair on the butterfly's wings, उनकी wings के ऊपर आपको हेयर दिखेंगे. हेल्प इट टू नो अबाउट द चेंजेस इन एयर प्रेशर. एयर प्रेशर इट्स हैवी और लो, तो वो अपनी बटरफ्लाई के ऊपर जो सॉरी विंग्स के ऊपर जो हेयर होते हैं उसकी मदद से फाइंड आउट करते हैं. फिशेस हैव सेंस डिटेक्टर्स अलोंग देयर हेड एंड ट्रंक. ओके, जो फिशेस है उनके हेड के ऊपर ट्रंक मतलब उनकी जो बॉडी होती है वो, विच हेल्प देम टू मूव एंड लोकेट देयर प्रे. उसकी मदद से वो मूव करते हैं और प्रे मतलब उसका शिकार ढूंढने के लिए. लेट्स सी इट्स पिक्चर. ओके, वी ऑलरेडी सॉ द पिक्चर्स, दैट्स राइट. नाउ चिल्ड्रन, हाउ डू एनिमल सेंसेस हेल्प अस? फ्रॉम ऑनवर्ड्स वी विल लर्न इन अवर नेक्स्ट क्लास. यू हैव टू कंप्लीट योर spellings and extra exercise given in your PDF material. Okay, आपको उसमें से लिख लेना.